अजय अक्षय और सुनील शेट्टी आखिर क्यों थे बॉलीवुड के 90s के सबसे बड़े सुपरस्टार? एक समय इन्होंने खान्स को भी पीछे कर दिया था, आखिर क्या वजह थी? तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आपको ये वजह बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों बता दें कि ये तीनों ही सुपरस्टार बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार हैं और आज के दौर में भी बहुत ही शानदार फिल्में लाते हैं और फिल्में जो है 200 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस करती हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार की। तो जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार जो हैं वो बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार हैं, यानी दोस्तों उनका एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त था 90s में और आज भी है। दोस्तों आपको बता दें कि 90s में सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्में लाने का अगर बात की जाए तो अक्षय कुमार लाते थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अजय देवगन की। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन आखिर क्यों 90s में सबसे बड़े सुपरस्टार थे? तो आपको बता दें दोस्तों कि उनका मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ही अच्छी थी। जी हाँ दोस्तों, वो मार्शल आर्ट में काफ़ी अच्छे थे, इस वजह से दोस्तों उनकी एक्शन फिल्में बहुत ही शानदार होती थी और उस समय स्टंटमैन भी नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से अजय देवगन सर जितना भी एक्शन सीन्स रहता था वो खुद ही ज़्यादातर करते थे और वह मार्शल आर्ट में काफ़ी माहिर थे, इस वजह से उनका एक्शन भी काफ़ी दमदार दिखता था मूवी में और ऑडियंस को भी खूब पसंद आता था। इसलिए अजय और अक्षय दोनों ही 90s के सुपरस्टार थे। आखिर दोस्तों बात करते हैं सुनील शेट्टी की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि सुनील शेट्टी जो हैं वो बॉलीवुड के अन्ना के नाम से भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के अन्ना जो हैं वो 90s में सबसे अच्छी बॉडी बिल्डिंग किए थे। जी हाँ दोस्तों, उनके जैसा बॉडी बिल्डर एक्टर पूरे बॉलीवुड में नहीं था 90s में। जी हाँ दोस्तों, 90s में वो काफ़ी अच्छी बॉडी बनाए थे, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान को ले लो या फिर आमिर खान को भी या फिर शाहरुख खान, किसी की भी बॉडी उतनी अच्छी नहीं थी जितना अच्छी बॉडी अन्ना ने बनाई थी। अन्ना की बॉडी काफ़ी शानदार थी, सिक्स पैक वाली लुक वाली बॉडी थी उनकी 90s में ही, और आज भी दोस्तों काफ़ी अच्छी बॉडी है। वो साउथ की भी फिल्में करते हैं और बॉलीवुड की भी फिल्में करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि खान जो थे वो 90s में उनकी फिल्में ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन दोस्तों अब उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा चलती हैं और 500 करोड़ 600 करोड़ की कमाई करती हैं। और दूसरी ओर दोस्तों, अजय, अक्षय और जो सुनील हैं, ये तीनों की फिल्में भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, ऐसा नहीं है, और सुपरहिट हमेशा ही साबित होती है, कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती। लेकिन दोस्तों इस समय शाहरुख खान और आमिर खान का जो पत्ता है वो बॉलीवुड में कुछ चल नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाए उनका सिक्का नहीं चल रहा है बॉलीवुड में। दूसरी ओर सलमान खान की भी अभी हाल ही रिलीज दबंग 3 भी फ्लॉप हो गई थी। तो दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अजय, अक्षय और सुनील ही बॉलीवुड के 20th century के भी सबसे बड़े सुपरस्टार्स बनते हैं या फिर खास भी कमबैक करेंगे साल 2021 तक। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अजय, अक्षय और सुनील ही हमेशा ही बॉलीवुड के बेहतरीन सुपरस्टार्स रहेंगे खान्स को पीछे करके या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।